बात है राजा नवघन, तो नवघन यदुवंशी मदा जूनागढ़ रो राजा तो नवघन ने पिता रो तो नाम हरादियास, हरादत्त जी के हरादियासी के। और यहाँ जूनागढ़ राजा रो सोरठ धरती माथे सोरठ धरते सोहणे समंदर सदा बहार जठे तपे जोगे सर गिरे यूं तो गिरे नारम। तो एक तरफ समंदर बेटा हिल रहा वो सोमनाथ रो मंदिर है दरियार कने जो शिव जी रे बारे ज्योतिर्लिंग मार के सोने रो मंदिर है। एक पाए गिर रो मुल्क है जगह में सीन भी जान आज भी है और डूंगर है गिरनार जो तो बड़ो सजीवन धरती है तीर्थ है डूंगर माता साधु संत महात्मा तपसी ऋषि जोगेश्वर हैंगी तपस्या करता। तो बीजन घना वर्ष तपस्या करें सिद्धि प्राप्त हुए वो गिरनार डूंगर में थोड़ा दिन में सिद्धि प्राप्त है ये बात है। साधु संत घना तपस्या करता और आज भी कोई करे है वे गिरनार डूंगर है तलटी में दामोदर कुंड है जो ऊपर झरणों रो पानी आवे और दामोदर कुंड पवित्र माने जब गंगा जी समान माने हालार सोरठ काठियाड़ भी इलाकर वो समान स्नान करना वाले पवित्र माने। तो यह बात है पाटन माथे सोलंकी और राजा तो सोलंकी और राज तो वे राजा रो नाम तो दुर्लभसेन वे पाटन ने राज घर ने रणे बीजे घोड़ा बगे बकी लेन आवे है वे जगह स्नान करने वास्ते दामोदर कुंड में। तो ओत तो रा दिया सरा चौकीदार राखियोड़ा था कि स्नान कर नियम तो दौड़ लेता इं दौड़ दिनों मना की के मैं तो राज परिवार दौड़ दियो को नहीं। तो उन कभी माना तो भी राजा रो हुक्म में जो मैं तो हुक्म टाल तो मैं की कर सका वो हरी वहाँ पे बड़े पाछे पसे रात दिया नो ठापड़े ऊँ लारे हिंदू भेजो का आओ स्नान करो वो हरी हज गया पाछे आया को नहीं। अर राजा दुर्लभ सेन जाए कहे को थे मैं तो हनुमान ग्रहण के मारे तो कोई इज्जत वैल्यू समझे को नहीं हनुमान ग्रहण दिनों को नहीं। अर थे राजा और अपन ये बदलो लेना है जूनागढ़ माथे हमलो करो युद्ध करो बदलो लेना है। जद दुर्लभ सेन भारी फौज ले आयो है जूनागढ़ का घेरो दिनो है और जूनागढ़ को किलो अभेद तो फौज मई बढ़ी जो को नहीं पसे को सड़ कपट सलाकी करें दरवाजो खोले मई बढ़िया है मई बढ़िया राजा दियाश्री कौम आया रहा और वे माथे कब्जो सोलंकी और हो गयो है। दुर्लभ सेन राजा राजगादी माथे बैठो है। अब दुर्लभ सेन री रौनी जिक्र नाम तो सोमल दे नवगणनी माँ नवगण हुए मौके छोटो तो 12 महीने रितो को नहीं। अब रौनी लारे सती होन डुकी राह दिया सरे और सती भी होनो जरूरी इन बाल करी मन में चिंत्या। अब एड़े संगत महीना कोई वफादार आदमी है जो याद आवे आप री विश्वास पात्र दासी थी वी नो कहो है कि ए नवगण बचो तू जाए पी आलीदर गांव में वो आहिर पटेल है दिवायत नाम में उगे नो सुप्रत करे पो और कहे के ए जूनागढ़ राज बिजरी अमण ते तू हवल संभाले राख दे। और नवगणनी माँ आप रे पति लारे सती हो गई है और ओ दासी आप रे कोई सोनी सपनी जई जौन जोखम डाले आई है आलीदर गांव वो दिवार पटेल ने रात और सुप्रत कियो है कहो कि ये तो माँ संदेशो दिनो है और तो न पालन पोषण कर राज दिन अमानत राखे वे आहिर आहिरण भी भला मनक था और उन नवगण राखे आप रे घरे वे देवाज पटेल एक लड़को लड़की पील आप रा हता लड़की रो नाम आहि जयल तो और नवगण नहीं दूध भी जो पावे और रौनी तो ये नवगणनी माँ तो सती होगी। अब उठी ने पालन पोषण कियो मोटो हुआ लगभग अनाजे मेड़ो 10 एक साल रो हुआ है और नवगण जो मारा बाप एज है और कोई जायन भी की है चुगली वे दुर्लभ सेन राजा ना के दिया सरारो लड़को नवगण आलीदर गांव में दिया पटेल बैठो है। तो बुरा मन कुद्दी ही जो को कदे भोली मोड़ी बात करे भली बात करे कौन सा अगलो मन खर कर के भलो न छोड़े भलाई न बुरो न छोड़े बुराई क्यों गंगरो छवि होए लसन रे लसन माथे उदाहरण दिनों के लसन न कितरो ही अपे कोई सुगंध चीज पदार्थ में अंतर में रखो तो आप ही सुगंध मिटे कौन जो बुरा मन का आप बुराई को मिटे नहीं ये गंगरो छवि होए।
लसन गांठ कपूर के नीर में बार पता सके ध्वज मंगा जी केसर के पट दे दे के फेरी चंदन ब्रक की सांझ सुखा जी मोगरे माजी लपेट धरो गंग पास सुगंध मिटाए न जाई ऐसे नीच को ऊंच के संगत कोटि करो तो कुटे बन जाई। अब यो सुगली की है और वे राजा ने ठा पड़ियो है तो ना 10-12 सिपाही भेजा है अलीधर गौम गया है दिवाज पटेल ने बुलायो है वे ने पूछो है कि नवगण थारे घर में बावड़े हसी बात है तो वे कहो कि हाँ तो कह राज रो दुश्मन वे तो घर में राखे बैठो तो न ठा ये की परिणाम मिले जन वे पास जबन अरे कह हूँ तो खम्मा अंदाज आप ने सुपुर्द करने वास्ते बैठो नवगण आप ने सुपुर्द कर दई है तो कह लिया बुला। अब जरा उन्होंने देवाज जी पटे या तो हंदी हुदी ने आप गयो कहो हे अहिरणी नवगण ना मेल रो और नियम धर्म रो पालन पूर राख दे। तो अहिरणी वही समझदार थी वे नवगण ना तो लिकायो आप रो छोकरो तो वे ना हखरा कपड़ा पेरावे न पगड़ी पोतियो बंधावे न हाथ में कोई छुरी कटारी दे न कह वे ना ही खावे तू यहाँ कह मारो ना नवगण है तू को तो ना राजगादी बिहाड़े तू कह नवगण जूनेरो राजा और ए देखे तो नवगण आ बैठो करके मुन्ना हखरा का क्यों को पेड़ ये न क्या दे हट करे जान ये ना आडो पाड़े कमरे में ना रोड़े रखे और ए ले जाए सुपत करे जो मेवाड़ में पन्ना धाय आप रे लड़के ना देन रात बीच बचाए थे जो ये आहिरन आहिरने आप रे लड़के ना मराए राजा नवगण बचाए एड़ा वफादार था जाए दिनो है और ऊँ ये खत्म कर दिनो है। तो पछे पहाड़ बड़े दिठो गए कई ठाक ये मो तोत बीजो गए वे कह गए आप रो लड़को है जो ओहू भी जरा मैंने आवे नहीं तो माँ बाप ना दिखरे मत ओहू रहा ये ओहू भी जरा दुख रोके रखे हुए कि थे ये लड़के रे मथे पग दे बो भाई आप रो लड़को मथे बह को नहीं तो ए माँ बाप वे रात आप लड़के रे मथे पग दे गया कि नवगण ने ठा नहीं पड़ी ये वास्ते अब ए मारे पे गया है पासा जूनागढ़ और ओ राजा निश्चित तो भाई राज कर रहे है और अब ए खेती रो काम कर तो नवगणी जो को खेती खड़े हल खड़े जो जो को घर में धंधो वही जपना हुए अब हल खड़न डुको है उठी हल खड़तन जा जमी में बुरीड़ा कोई शुरू निकलिया रहा वे मोहनान भी जा मोर आते क्योंकि भाग है नी तो भागी रो भागी साथ दिया करे जो के कहड़ो है कि भाग्य निपजे खेतरी भाग्य दुजे गाज के भाग मना क्या हो रे खादोड़ो ही घिर जाए नवगण भागियो होनेरा चरु निकलिया ए घरे ले गया है। अब ये ना जो को पटेल तो आहिर वो ये ना खेती रो काम के तू मत कर तू घोड़ा ले आए सत्र पाटे दिने घोड़ो चलानो घोड़ो घुमानो तरवार चलानी जो को भी राजपूत राज बीज राज को गुण था वो है विन बिजा ही खावे और अबे गोडे मालदार घणे पटेल आहिर और पटेल मुखी हो तो और अब 15 होले 17 बरहरा हुआ है और वे आपरी दीकरी जैल रे बीमारी बात की है और कैंकू पते निमंत्रण भेजा है गोमो गोम आप रे समाज न और कह के फलौने मारी लड़की जैल रो बीमा है सब मारे समाज रखेंगे आ जाया और अपना शस्त्र पाटी जा भेड़े लेते हैं पूरा ही आ जाया है दिन माथे सब आया भेड़ा हुआ है तंबू लगाया खाणो पीणो बनायो मालदार पैसा गुटे घना ही था और भेड़ा हुआ है देवाद पटेल कहो है कि मारे लड़की रो बीमा करने वास्ते आपने बुलाया था बीमा लगन करने मोर मारे आखड़ी लियोड़े मतलब नेम है ए आखड़ी पूरी करो पछे मारी दीकरी लगन करी थे मारी मदद करसियो तू कह हाँ मदद करसियो बताओ थारे की है आखड़ी है तो वे कह के मारे यूँ है कि थो हणियो कि नवगण राजा न खत्म किए वो नवगण बिठो है वे जगह मारे छोकरे न देन मराए तो अब नवगण न पासो राजगादी बिहारण ए मारे मनरीन छा है वो कभी थे को जड़ी मदद करियो सर वो एक जाए गुप्त हल्ला किए हल्ला करे हैं मोटियार मोटियार खा भेड़ा हुआ है कोई अड़ा कोई छुरी ने कुआड़े तरवार बीजा सतल लेन के अब जाऊँ जो राजा ना कैंकू पत्र दे बीमार लगन मारे जायल दीकरी लगन में थे आया क्यों ए राज मत दुर्लभ सेंद्र आत चाहो तो परिचय ओखण आड़ो तो और हैंग भेड़ा हुए अब नवगण हमें रस्ते में जूनागढ़ नेड़ा पुगे वो खणा वे कि तू मारो दीकरो को नहीं तू नवगण है रा दियासो दीकरो जूनागढ़ राजा है थारे बाप ना मारे और वो माजे माडे गादी माथे बैठो है हमें मे कैंकू पत्र मुह करे जावा गुटे ना और हो सके जोग माए सह करे तो ना रात गादी में बिहाड़े हो तो ही के राज हिम्मत रखे अब इतरो कहो राजपूत हुए ना खरीद में रू डोंगे गा और ए गया है जूनागढ़ रे द्वारपाल गुटे उन्होंने कहो है वे देवाज पटेल के मारी लड़की जाए तो लगन ने
कैंकू पुत्री पुगाने राजा निमंत्रण दायो तू हेंगो ने गढ़ में जाट दिया बेड़ा बेड़ा पूरे लश्कर साथे और वो बिठोड़ दिठो नवगण के दुख में मौके मने झाड़ो निकल डुके ये ले जाए राजा दुर्लभ सेनो कैंकू पत्री दिनी है कैंकू दिन राजा पटन डुको है वो मके नवगण तरवारा काटे ले जोग मारे ने भाई जो दुर्लभ सेन राजा मथो खरे पिरो और के जय नवगण ने बेल हमें बोलिए बीजो कोई थोड़ा घना आदमी था उन पके या खत्म घणो जो बीजो हुआ को नहीं और नवगणी जय जय हेंगो हणे खुशी हुआ बीजा राजकाज में कामदार करना दासे बीज ओ हैंग इं रहे तो घणे खुश हुए पछे अच्छे मुहूर्त माथे राजा ना नवगण राज गादी दे तिलक करायो है बीजोड़ दन आप री दिक्री रे लगन की हुए जायल रो और पछे राजा नवगण राज की हुए तपधारी बड़ो राज की हुए किलेर में कुगो खुदा नवगण कुगो है नवगण बावड़ी है पछे घणो ही राज करता 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 आगे इंरी पीढ़ी महीना एक आगे मंडली दाम कर राज वो नवगण कुली में आगे वो क्रूर स्वभाव तो वो के नो दुख दे तो मणिया गांव में नागबाई सारणी थी वे न दुख दिन वे शराब दिन तो नागबाई कहे ऐ मंडली तमारो तो दिन फरी गयो छे तमारे गढ़ में मुसलमान राज करिए नागबाई दिनो शराब शराब दिन जरा मुसलमान आ गया ना मंडली तो मारे राज मत कियो कब्जो बस ओ राज ठेठ आजादी तक मुसलमान रही रहियो और ए नवगणी है वाह।